हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की शुरुआत करने वाले आईसीसी वर्ल्ड टी20 2021 के 34th मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में। तो मैच का प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, जरूर से ये वीडियो एंड तक देखिए। उससे पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको रेडियन टिप्स का व्हाट्सअप नंबर मिलेगा अगर आपको इस वर्ल्ड कप में मैच की विनर टीम चाहिए हो, साथ में सेशन और टॉस की रिपोर्ट चाहिए हो और हर मैच की रिपोर्ट चाहिए हो तो रेडियन टिप्स को जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिए। इनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही होती है, इनके पास आपको सबसे बढ़िया काम मिलेगा, इनके साथ आपका वर्ल्ड कप बहुत जबरदस्त जाएगा। पहले मैच में आपको फ्री डेमो भी मिलेगा, तो जाइए जल्दी से इन्हें मैसेज कीजिए। तो भाई शुरुआत करेंगे टीम ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबले जीते हैं, पिछला मुकाबला ये हारे थे। पिछला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ हारे थे, ये बात सही थी, पर बहुत बुरे तरीके से हारे थे। ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के लिए गलत हुआ है, क्योंकि इससे नेट रन रेट इनका काफी बुरा हुआ है। बैटिंग में खासकर इनका परफॉर्मेंस काफी बुरा रहा था। टॉप ऑर्डर में एरन फिंच के अलावा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा समय ही नहीं बिता पाया था, सभी बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे। एस्टानेगार ने जरूर कुछ रन बनाए थे, पैट कमिंस ने भी एंड में कुछ अच्छे शॉट लगाए थे, पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 125 रन ही बना पाई थी। बॉलिंग में एस्टानेगार को एक विकेट मिला था और वो इकलौते ऐसे बॉलर थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। जैम्पा को भी एक विकेट मिला था, पर वो काफी एक्सपेंसिव रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के स्ट्राइक बॉलर मिचेल स्टार्क को भी काफी ज्यादा रन पड़े थे। एंड में इंग्लैंड ने सिर्फ 12 ओवर के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया का टारगेट चेज कर दिया था। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट इस समय काफी बुरा हो चुका है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जरूरी है कि अगले दोनों ही मुकाबले ये जीते। अगले अगर ये दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैं सिर्फ एक ही चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टीम चाहे तो एस्टानेगार की जगह पे फिर से मिचेल मार्श को खिला सकती है। पिछले मैच में बैटिंग में कोलैप्स देखने को मिला था, तो इस मैच में ये हो सकता है कि मिचेल मार्श के तौर पर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहे। हालांकि एस्टानेगार ने भी पिछले मैच में बैटिंग में रन बनाए थे और बॉलिंग भी एस्टानेगार ने अच्छी की थी, पर फिर भी 3 में से 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस अभी तक काफी अच्छा रहा है। पर इनके जो अपोनेंट्स है बांग्लादेश, उनका परफॉर्मेंस इस समय अभी तक तो बहुत ज्यादा बुरा रहा है। 4 में से 4 मुकाबले हारे हैं, अभी तक एक भी मुकाबला ये टीम जीत नहीं पाई है। जी हाँ, और पिछले मैच में तो जिस तरीके से हारे थे बहुत ज्यादा शर्मनाक हार रही थी टीम। सिर्फ 84 रन पर ऑल आउट हो गई थी। पिछले मैच में शकीब अल हसन टीम का हिस्सा नहीं थे, शकीब अल हसन अभी पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो चुके हैं और उनके ना होने से इनकी बैटिंग इस समय काफी वीक नजर आ रही है। पिछले मैच में भी टीम की बैटिंग में बहुत बुरा कोलैप्स देखने को मिला था, 85 रनों का टारगेट सिर्फ साउथ अफ्रीका के सामने रख पाए थे। उसके बाद बॉलिंग में तस्कीन अहमद ने 2 विकेट निकाले थे, अच्छी बॉलिंग की थी। शरीफ अल इस्लाम भी इकोनॉमिकल रहे थे, महदी हसन को 1 विकेट और नसूम अहमद को भी 1 विकेट मिला था, पर फिर भी 50 रनों का टारगेट डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होने वाला था, लगभग इंपॉसिबल काम होने वाला था और इस इंपॉसिबल काम को पॉसिबल बांग्लादेश नहीं कर पाया और इन्हें टूर्नामेंट की चौथी हार साउथ अफ्रीका ने थमा दी। तो खैर, यहाँ से क्वालिफाई तो ये नहीं कर सकते, पर फिर भी अपने टूर्नामेंट में एटलीस्ट 1 मुकाबला तो जीतना चाहेंगे। अभी तक सारे मुकाबले हार रही है, अपना लास्ट मुकाबला जीतकर कुछ इज्जत बचाना चाहेंगे। हालांकि टीम के लिए आसान नहीं होगा, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर बहुत जबरदस्त है। टीम में शाकिब अल हसन नहीं है, टीम चाहे तो चेंजेस कर सकती है, पर बेंच पे भी ऐसे कोई खास खिलाड़ी नहीं है जो कि टीम को मुकाबला जिता सके। इस मैच के ड्रीम इलेवन में टीम के कैप्टन होंगे ग्लेन मैक्सवेल, वाइस कैप्टन के तौर पर डेविड वार्नर या फिर मिचेल स्टार्क में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। ये मैच दुबई में खेला जाने वाला है, पिच यहाँ पे काफी स्लो देखने को मिल रही है, 150 के आसपास के यहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं। सेकंड इनिंग में वैसे स्लो पिच पर बैटिंग करना मुश्किल होता है, पर यहाँ पे काफी ज्यादा ड्यू आ रही है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगी। पहले बॉलिंग कीजिए, सामने वाली टीम को कम से कम रनों पर रोकिए और उसके बाद टारगेट को चेज कीजिए। ड्यू की वजह से आपको टारगेट चेज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यही गेम प्लान होना चाहिए। वैसे आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं कि इन दो टीमों के बीच में जो पिछले 5 T20 मैचेस खेले गए थे उनमें से 4 मुकाबले बांग्लादेश जीता है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पिछले 5 में से 1 ही बार T20 में बांग्लादेश को हरा पाया है। पर वो 5 मैचेस बांग्लादेश के घर पर खेले गए थे और ऑस्ट्रेलिया के उन मैचेस में बड़े खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे उनके सारे खिलाड़ी अवेलेबल है। ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है, तो मुझे ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ही जीतेंगे, मेरा मैच प्रेडिक्शन रहेगा ऑस्ट्रेलिया। पर आप रेडियन टिप्स को जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद।